हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक हमारे रेडमी के नोट 8 का। गाइस इसकी यहां पर अनबॉक्सिंग भी करेंगे, साथ ही आपको फर्स्ट लुक दूंगा और बताऊंगा इस फोन के बारे में सारी चीजें। बाकी गाइस ये जो फोन है मैंने व्हाइट कलर में यहां पर परचेज किया है, 4 GB 64 GB वाला वेरियंट है यहां पर आप देख सकते हो। और गाइस ये जो फोन है 10,000 रुपीज का है ऑब्वियसली, और मैंने इसको mi.com से परचेज किया क्योंकि अमेजोन पे खरीदना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है और मुझे इस व्हाइट कलर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ गया एक्स्ट्रा। तो गाइस सॉरी थोड़ी लेट अनबॉक्सिंग करने के लिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। और 4000 mAh की बैटरी, अच्छी बात यह है कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये यहाँ पर सपोर्ट करता है। और पहली बार गाइस यहाँ पर डेडिकेटेड microSD कार्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे कमाल की चीज की मेड इन इंडिया ये स्मार्टफोन है। तो गाइस बॉक्स है अभी सील, फटाफट से मेरा नए औजार से इसकी सील को हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं। और ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पिन के साथ, बट कोई बात नहीं, हमारे पास नाइफ नहीं है तो इससे हम काम चला लेंगे। तो गाइस ज्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बॉक्स को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट से ओपन। सबसे पहले गाइस एक छोटा सा बॉक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमेशा की तरह एक सिम इजेक्टर यहाँ पर पिन है और यहाँ पर हमें एक केस भी देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस इस बार जो केस की क्वालिटी है वो डेफिनेटली यार मुझे बेटर लग रही है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में, क्योंकि लास्ट टाइम में जो हम नोट 7 के साथ और रेडमी के फोन के साथ देखा था वो थोड़ा अलग था। इस बार ही कुछ इन्होंने रियलमी और ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन्स की तरह यहाँ पर केस दिया है, तो ये काफी अच्छी है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम साइड में रखते हैं और इस बॉक्स को भी रखते हैं साइड में। बाकी उसके ऊपर हमें यहाँ पर हमारा फोन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। काफी टाइटली यहाँ पर ये फिट है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बात है, यहाँ पर गाइज मैंने व्हाइट कलर परचेज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, ये कुछ A50 की तरह यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है जैसे कि सैमसंग का है। और साइड से गाइज ये जो यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है सिल्वर कलर की, ये यहाँ पर प्लास्टिक है बट आगे पीछे यहाँ पर ग्लास देखने के लिए मिलता है। बाकी अभी इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर अभी हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद गाइज बॉक्स में हम यहाँ पर जाते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी है कि गाइज शाओमी ने इस बारी 10,000 रुपए के स्मार्टफोन में भी 18 वॉट का फास्ट चार्जर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करके दिया है, जो कि यार एकदम इनसेन बात है। तो ये मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद आया है। बाकी हम इसका चार्जिंग टेस्ट वगैरह भी करेंगे चैनल पे, तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। और टाइप सी की केबल भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस एक बार हम रखते हैं इन सारी चीजों को साइड में और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अपने फोन के बारे में। तो गाइस ये रहा हमारा फोन। सबसे पहले हम डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को यहाँ से हटा लेते हैं और उसके बाद इसका बेटर लुक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको एक बार यहाँ से हटा के हम यहाँ पर देखते हैं डिस्प्ले को। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट में, अभी मैं इसको जब तक पावर ऑन करता हूँ उसके बाद मैं आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट बूट है, यहाँ पर रेडमी का लोगो आ गया है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप में हमें एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 13 MP का, और जो बेजल्स है वो पहले के कंपेरिजन में थोड़े से कम है। बॉटम चीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, रेडमी की ब्रांडिंग है। तो गाइस बैक की हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 48 MP का मेन कैमरा में देखने के लिए मिल जाता है, एक अल्ट्रा वाइड यहाँ पर लेंस भी मिलता है, साथ ही 2 MP का डेप्थ सेंसर है, 2 MP का माइक्रो कैमरा, LED फ्लैश है, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है जो कि रियर माउंटेड है। और रेडमी की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, व्हाइट कलर काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी गाइस ये जो फ्रेम है ये पूरा यहाँ पर पॉलीकार्बन यानी कि प्लास्टिक से बना हुआ है, बट देखने में काफी ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। ये वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन मिल जाते हैं, टॉप पे आपको आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है, एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है, लेफ्ट में गाइज आपको सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है जो कि यहाँ पर डेडिकेटेड microSD कार्ड के साथ आती है। मैं आपको यहाँ पर एक बार चेक करा देता हूँ। तो पहली बार ये हो रहा है कि गाइज किसी शाओमी के फोन में, ये नोट सीरीज के फोन में आपको डुअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो यार मुझे काफी ज्यादा ये चीज पसंद आई है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ शाओमी के इस एफर्ट को। और उसके बाद यहाँ पर हम बॉटम पे देखते हैं तो हेडफोन जैक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मेन माइक्रोफोन है जिसके यहाँ पर 2 होल हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये मैंने पहली बार देखा है। टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पर मेन स्पीकर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गाइस फोन यहाँ पर MIUI 10 पे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर रन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बार ही मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि यहाँ पे फॉलो करना है अगर आप फोन को सेटअप करते हो और आप चाहते हो कि आपको एड्स देखने के लिए ना मिले। उसके बाद भी हो सकता है आपको एप्स में जाने के बाद इसको डिसेबल करना पड़े, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड रहना मेरे चैनल के ऊपर। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे ऑफ करना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशंस, तो इसको आपको ऑफ कर देना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पे वॉलपेपर कैरासोल का यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जो कि आपको लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे स्टोरीज वगैरह दिखाता रहता है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर उसको रखना तो आप इसको डिसेबल ना करना, बट अगर आप नहीं चाहते तो इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है डायग्नोस्टिक का, तो इसको आप रख सकते हैं। बाकी यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए है, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, बट इसको मैं यहाँ पर अभी ऑन रखूंगा। तो ये दो चीजें आप मेनली यहाँ पर ऑफ कर। तो गाइज फाइनली हमारा फोन यहाँ पे सेटअप हो चुका है, और एक बार हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेक कर लेते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे टैप करूंगा और ये अनलॉक हो जाता है। तो यार बहुत ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो कोई भी इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर के रिगार्डिंग। काफी ज्यादा हमें यहाँ पर फास्ट देखने के लिए मिलता है। एक इशू गाइज जो मुझे लगा, यहाँ पर कैमरा बम्प थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं नोट 7 प्रो के कैमरा बम्प से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। बाकी गाइज यहाँ पर हम चलते हैं इसकी यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर हम जाते हैं अबाउट फोन में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड 9 पाई पे अभी रन कर रहा है। बाकी गाइज इसको यहाँ पर MIUI 11 का अपडेट बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा इस ईयर के एंड तक। और यहाँ पे MIUI का जो वर्जन है वो 10.3.1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेबल पे रन कर रहा है। और गाइज आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे 64 GB में से 50 GB स्पेस हमें यहाँ पर अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले वगैरह में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क मोड वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये काफी बढ़िया चीज है, MIUI में काफी बढ़िया फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। डिजिटल वेलबींग भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, फुल स्क्रीन जेस्टर्स वगैरह है, तो ये सारी चीजें बढ़िया बढ़िया हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी गाइस यहाँ पर ब्लॉटवेयर भी काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एप्स में जाएंगे तो ये सारी एप्स हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ गेम्स हैं जिनको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस फ्रंट में आपको यहाँ पर 6.3 इंच की एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी यार काफी बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। टॉप पे थोड़ी सी नॉच हमें देखने के लिए मिलती है, और बॉटम पे भी यहाँ पर हमें बेजल देखने के लिए मिलता है, जो कि नोट 7 प्रो के ऑलमोस्ट सिमिलर है। ज्यादा कुछ फर्क हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर शाओमी ने हमें दी है, क्योंकि यार इस प्राइस में हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। एंड गाइस डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स की हम यहाँ पर बात करें तो व्यूइंग एंगल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी इशू मुझे यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स को लेकर भी नहीं आया है। तो ओवरऑल यार डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर पसंद आई है। बाकी गाइज जो फोन है वो चलता है यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ पर हमें 4 GB की रैम मिल जाती है, और यहाँ पर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। डुअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, तो आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी गाइज परफॉर्मेंस डेफिनेटली इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी जितनी कि हमें यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो में लास्ट ईयर देखने के लिए मिली थी, क्योंकि वहां पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने के लिए मिला था। बट गाइज डेफिनेटली ये थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता डिवाइस है, क्योंकि 10,000 रुपए की प्राइस में हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी गाइज अगर हम यहाँ पर बात करें केस की क्वालिटी की, तो यार केस की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद आई है शाओमी की इस बार, क्योंकि शाओमी ने जो केस प्रोवाइड किया है ये पूरे कैमरा बम्प को यहाँ पर कवर कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये साइडों से थोड़ा सा यहाँ पर उठा हुआ है, जो कि कैमरा बम्प को पूरा कवर कर रहा है। और यहाँ पे साइडों से भी इसकी एजेस की जो क्वालिटी है बहुत ही यार प्रीमियम लग रहा है, और इसके जो एजेस हैं डिस्प्ले के कॉर्नर्स पे, तो ये भी डिस्प्ले को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो काफी बाहर निकला हुआ है। और बिल्कुल जैसे Realme और Oppo Vivo केस बनाते हैं वैसे Xiaomi ने बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंस्पिरेशन लेना किसी ब्रांड से। तो यार बिग थम्स अप है मेरी तरफ से Xiaomi को इतना अच्छा केस आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करने के लिए। बाकी गाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गूगल कैमरा की, तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर कैमरा 2 API इनेबल्ड है, और गूगल कैमरा आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही मुझे कोई बढ़िया सा गूगल कैमरा मिलता है मैं नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा एज वेल एज रियर फेसिंग कैमरा से, वीडियो सैंपल्स भी दिखाऊंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स करके बताना आपको सैंपल्स कैसे लगे हैं। सो गाइज ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रेडमी नोट 8 के फ्रंट फेसिंग कैमरा से, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो कैसा आपको देखने के लिए मिलता है। बाय द वे गाइज जो ऑडियो है वो भी यहाँ पर इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ऑडियो का आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके का ऑडियो ये यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे अच्छी खासी डिटेल आ रही है आउटडोर लाइटिंग में, तो काफी अच्छा कैमरा यहाँ पर वर्क कर रहा है। बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट आपको इससे आइडिया लग जाएगा फ्रंट फेसिंग कैमरा का। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रेडमी नोट 8 के रियर फेसिंग कैमरा में 1080p में, और स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके की आपको देखने के लिए मिलती है, और ऑडियो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है इसके इंटरनल माइक्रोफोन से, तो आपको ऑडियो क्वालिटी का भी यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। तो इस तरीके की वीडियो क्वालिटी आपको दिखती है, और फोकस अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर ये फोकस कर लेता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फटाफट फोकस यहाँ पर ये कर पा रहा है, तो फोकसिंग में इशू नहीं है।
गाइज अभी मैं Redmi Note 8 Pro पे काफी ज्यादा डिटेल वीडियोस यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जैसे कि इसका कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, सारी वीडियोस यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और आपका कोई भी कमेंट है यार, अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।